मतलब देश में एक तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात ये बता दूं कि हम लोग तो शांति के प्रतीक हैं, हम तो शांति की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। आज तुम प्रधानमंत्री हो और तुमने ऐसा कर दिया, कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा तो वो तुम्हारे उसको गिरा करके अपना बना देगा। वो तो वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। काम वो करना चाहिए जो सभी के हित में हो, सभी को करुणा और मैत्री का संदेश देता हो, जो सभी के लिए कल्याणकारी हो। सम्राट अशोक ने जो काम किया वो किसी पक्षपातपूर्ण तरीके से नहीं किया, बल्कि पूरी जनता के लिए किया था। इसीलिए जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये अशोक स्तंभ यहाँ स्थापित कराया, तो उसके पीछे यही था कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। सम्राट अशोक का जो स्तंभ इस बात का प्रतीक है कि हमें घृणा से नहीं बल्कि प्यार से जीतना है, तो प्यार का प्रतीक है। तो मैं इस देश के जो आज जो कर्णधार बने हुए हैं, नेता हैं जो, तो मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूँ कि भाई पैर से पैर शांत नहीं होता। आपने जो तानाशाही से ऐसा किया है, उसका जो रूप है वो बिगाड़ करके ऐसा किया है, तो ये आपने अशोभनीय कार्य किया है। मैं चलो निंदा नहीं करूँगा, कोई और करेगा, तो जो निंदनीय कार्य करेगा उसकी तो लोग निंदा करेंगे ही जी, मैं नहीं करूँगा, कोई और करेगा। इसलिए हमें काम वो करना चाहिए, क्योंकि देश का जो नेता होता है वो देश का सेवक होता है। अपनी तानाशाही के बल पर वो किसी को दबा करके थोड़ी देर के लिए मनवा सकता है अपनी बात को, जैसा आज चल रहा है, लेकिन वो सदैव नहीं रहोगे आप। जब सदैव नहीं रहोगे तो ये करने से क्या फ़ायदा है। तो हम ये चाहते हैं कि मोदी जी इस पर विचार करेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि देश के लोग उसके खिलाफ बोलें और उसके विपरीत में मतलब काम हो। इससे वैमनस्यता पैदा होगी, इससे मतलब कटुता पैदा होगी, और कटुता पैदा होगी तो देश में अशांति पैदा होगी। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के जो नेता हैं उस पर पुनर्विचार करें और उसको जो सही वास्तविक आकृति है उसी आकृति को पुनः स्थापित करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मैं बंदे जहाँ बेहतर बता सकते हैं, क्या अशोक स्तंभ के हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना हो सकती है क्या? नहीं नहीं, देखिए एक बात है, पूजा अर्चना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब स्तंभ स्थापित किया था तो वहाँ तो कोई पूजा पाठ की बात नहीं कही गई थी, क्योंकि पूजा पाठ से होगा क्या, कोई पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूजा पाठ तो ये केवल आडंबर है और वो केवल मनुपात है, ब्राह्मणवाद है। स्तंभ के साथ किया गया ना ऐसा? हाँ, तो किया गया है वो, तो उन्होंने ब्राह्मण संस्कृति को मतलब जो मनुवादी संस्कृति है उसको लाना चाह रहे हैं, लेकिन बस हम तो इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करते। तमाम लोग कह रहे हैं कि बुद्ध की विरासत को हड़पने की कोशिश की। हाँ, बुद्ध की मतलब बुद्ध की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्ध की जड़ें, बुद्ध की जो विचारधारा है इसके भारत के कण कण में समाई हुई है। कहाँ तक खत्म करेंगे, जहाँ भी खोदेंगे तो बुद्ध निकलेंगे। समझे? तो ये आज तुम सत्ता में हो तो कर सकते हो, लेकिन सदैव नहीं रहोगे। जिस दिन कोई दूसरा आएगा समझे, वो फिर सम्राट अशोक की तरह समझे इसको लाएगा सामने समझे, और समता मैत्री और करुणा का संदेश भारत में पुनः स्थापित होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आपने भी कहा उसका रूप थोड़ा इन्होंने विकराल कर दिया, तमाम लोग भी कह रहे हैं शेर बड़े खूंखार हो गए, तो क्या ये तो गैर कानूनी है फिर इसका? तो गैर कानूनी है, जब तो विरोध हो रहा है, क्योंकि इसमें जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो पूजा का केंद्र नहीं है, मतलब पूजा का वो तो सबका है, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए ना, वो तो सभी के लिए है, मतलब शांति का संदेश दे रहा है ना वो तो, क्योंकि बैर से बैर कभी शांत नहीं। तो क्या ये जो अशोक स्तंभ बनाया गया जो सारनाथ म्यूजियम में रखा हुआ उससे मेल नहीं खाता? आपने तो देखा। हाँ, नहीं 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 करता, क्योंकि जो सारनाथ से जो स्तंभ लिया गया था वो तो शांति का संदेश देता है, मतलब कि मैं जैसे सम्राट अशोक ने जब शस्त्र डाल दिए थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अपने देश की रक्षा नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं अब लोगों को प्यार से जीतूंगा,
तो ये शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेल नहीं खाता साथ हाथ वाला, और ये हाँ ये मेल नहीं खाता, क्योंकि इसका जो आप देखेंगे इसका जो शेर का जो है ना मुंह फटा हुआ है, तो वो मतलब ये कहिए कि वो अशांति का प्रतीक है, मतलब दूसरों को डरावना मतलब, और वो जो सम्राट अशोक का जो है तो शांति का। ये गलती प्रधानमंत्री जी से हुई है, आर्किटेक्ट ने करी है। देखिए एक बात ये है, आर्किटेक्ट जो होता है समझे, वो तो उसके इशारे पर काम करता है ना, तो ये तो अब चलो मान लो गलती कर दिया उसने, तुम लाए क्यों थे उसको, मतलब मान लो चलो उसने गलती कर दिया, गलती से बन गया वो, समझे तुमको नहीं लेना चाहिए था, हम तो दूसरा चाहिए भाई, जब पैसे दे रहे हैं तो हमें तो बढ़िया चीज़ चाहिए ना, तो ये तो एक एक बहाना है, वो इनके इशारे पर किया गया है। और इसके जो वो लोग हैं ना, जिसे आप कही कहिए कि मनुवाद विचारधारा के जो लोग हैं, जिन्हें आप RSS के भी कह सकते हैं, उनकी प्लानिंग के तहत ये किया गया है। तो हम तो देखो यही कहना चाहेंगे, चाहे वो RSS के लोग हों, चाहे हिंदू संगठन हो या BJP के लोग हों, हम तो सभी के प्रति मैत्री भाव रखना चाहेंगे। लोग कह रहे हैं कि इसको बदला जाए है? हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यदि वो लोग थोड़ी भी अपने में मतलब सहानुभूति रखते हैं तो इसको बदल करके दूसरा लगा दें और देश में शांति स्थापित करें, क्योंकि शांति से बढ़ करके, क्योंकि आप ये मान करके चलिए कि संसार में सदैव कोई नहीं रहेगा जी, आज तुम सत्ता में हो तो अपनी मनमानी कर रहे हो, लेकिन याद रखो कि तुम सदैव नहीं रहोगे जी, एक दिन जाओगे, और जो जिनके इशारे पर तुम कर रहे हो जा दिन तुम्हें तुम मरोगे ना, तो तुम एक सेकंड भी नहीं रुकने देंगे, उठा के फेंक देंगे, जला देंगे। तो इसलिए मेरा तो मानना यही है, नेताओं का आखिरी सवाल मेरा तर्क है कि आकार बहुत बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है अशोक स्तंभ, इसलिए शेर का मुंह ज्यादा खुला हुआ नजर आ रहा है। कैसे? उसका जो स्तंभ है उसका आकार बहुत बड़ा है वो, इसलिए शेर का मुंह जो है ना वो ज्यादा खुला नजर। नहीं नहीं नहीं, देखिए एक बात ये, कोई चीज होती है चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन वो जो जो पार्लियामेंट पर लगा हुआ है, जो हमारा वर्तमान में जो पार्लियामेंट है उस पर जो लगा हुआ है, वो क्या छोटा है? तो ये तो जानबूझ करके ऐसा किया गया है। अच्छा, इसकी जरूरत क्या पड़ रही थी वहाँ पर? पहली बात तो ये है कि हमारा जो पार्लियामेंट है आप भी अच्छी हालत में है, और हमारे देश का एक बहुत ही भव्य मतलब इमारत है वो, अभी बदलने की क्या जरूरत पड़ रही थी? लेकिन ये प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये बदले की भावना से सब कुछ हो रहा है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई जी, हमें किसी के प्रति मतलब इस तरह का भाव नहीं रखना है, क्योंकि हम सदैव नहीं रहेंगे, कोई दूसरा आएगा और वो आएगा तो हमारे करे धरे पर सब पानी फेर देगा वो जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो देखिए मेरे आप लोग मीडिया वाले कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, BJP के लोग ऐसा कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र जी। हाँ देखिए, जहाँ तक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आती है तो मैं कहता हूँ देश में हिंदू है ही नहीं कोई, इस देश में ब्राह्मण है और क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, समझे, तो हिंदू है कहाँ? हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है जब हिंदू है ही नहीं, तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कैसे? और मैं तो ये कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का गृह मंत्री हिंदू है, देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश की सेना सेना के जो प्रमुख हैं वो हिंदू है, जज जज बैठे हुए हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ये सब सभी हिंदू हैं। भाई कमी और कहाँ रहेगी हिंदू राष्ट्र बनाने की? सारे तो तुम हिंदू हो, लेकिन फिर भी चिल्ला रहे हो कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। भैया तुम्हारे दिमाग में यदि खतरा बना हुआ है तो वो नहीं निकाला जा सकता, हिंदू कभी खतरे में नहीं था और आज भी नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि हिंदू कोई है ही नहीं। जब हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं तो खतरा किससे है? खतरा है केवल ब्राह्मणवाद को, क्योंकि यदि बुद्ध की बात लोगों के बीच में आएगी तो ब्राह्मणों की जो रोटी सेक रहे हैं ना वो केवल। धन्यवाद।